जयश्रीराम, एक खबर आ रही है झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर रुपेश पांडे भाई का मामला हुआ था। हेमंत सोरेन की सरकार ने हजारीबाग में पूरी तरीके से डीजे पर प्रतिबंध लगा रखा है रामनवमी के दिन। देख लो हिंदुओं, तुम्हारे मतदानों का अंतर देखो। उत्तर प्रदेश का सीएम हर जिले में एक एक लाख रुपए बंटवारा है रामनवमी के उपलक्ष पर, और तुम्हारे राज्य का सीएम डीजे बंद करो, पोस्टर ना लगाओ, ये हाल है तुम्हारा, तुम्हारे ही देश में। ये तुमसे बस मतदान लेना जानते हैं, और लेने के बाद तुम अपने ही देश में अपने भगवानों की शोभा यात्रा और अपने त्योहार उत्साह से नहीं मातम की तरह मनाओ, ये ऐसा कहते हैं। हिंदुओं को बोलना चाहिए भैया, शोभा यात्राओं पर डीजे और नगाड़े नहीं बजेंगे तो फिर क्या बजेगा भाई, क्या बजेगा? अब क्या देश में हिंदुओं को कोई बताएगा कि तुम शोभा यात्रा ऐसे ना निकालो, वैसे ना निकालो, पोस्टर ना लगाओ? किसी के बाप का है क्या कि हमको हमारा त्योहार हम कैसे मनाए कोई बताएगा? अभी भी जाग जाओ हिंदुओं, वरना आज त्योहार ना मनाओ कल कहेंगे सांस ना लो। सोचो जरा।